हेलो लर्नर्स, दिस इज योर प्रेजेंटर रवि। सभी विद्यार्थी व शिक्षार्थी को पुनः स्वागत है शिक्षा कैंटीन चैनल में, जो आप जैसे अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे विद्यार्थी के लिए, जो संस्कृत के जो ज्ञान के जिज्ञासु है और जो संस्कृत के लर्नर्स है, संस्कृत के नेट की जो परीक्षा उसके जो लर्नर्स है, उनके लिए निर्गत की गई है इस शिक्षा कैंटीन प्लेटफॉर्म को। तो हम रोज़ रोज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन फ्रिक्वेंटली वीडियो अपलोड करते रहते हैं संस्कृत के जो नेट नेट की परीक्षा उनकी सिलेबस को कंप्लीट कवरेज के लिए हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो उसके लिए उसके वीडियोस को अपडेट के लिए ज़रूर हमारे चैनल को समर्थन ज़रूर कीजिए। तो वो बाद में बताएंगे, अभी जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का आज का शीर्षक है, वीडियो हमने कई कई वीडियो बनाए हमारे चैनल में, यहाँ पे संस्कृत के जो नेट के जो बहुत सारे विषय है, बहुत सारे टॉपिक है, उनको उनको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हमने दे रखी है, वो ज़रूर देखिए। अगर कोई भी कोई फर्स्ट व्यूअर है इस वीडियो का, तो आज का शीर्षक है संस्कृत नेट कंप्लीट नोट्स एनटीए नेट संस्कृत सिलेबस। जो सिलेबस है, हाँ सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के परीक्षा के, उसके सिलेबस में पूरे के पूरे 10 यूनिट है। मतलब बच्चे की जान लेके छोड़ेंगे, ये नेट वाले मतलब पढ़ना ही है सबको। इतने सारे यूनिट्स दे के रखे उन्होंने कि पढ़ो, सब लोग पढ़ो, कोई 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 मस्ती नहीं करेगा, सब लोग पढ़ना, सब लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही इतने छोटे छोटे डिटेल क्वेश्चन आते हैं, तो हमको पता नहीं चलता क्या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इसलिए एक छोटे छोटे हम वीडियोस पीडीएफ बना के हम अपलोड करते हैं, ताकि सारे कवर हो जाए। तो आज का शीर्षक है यूनिट 7 में जो जितने सारे लेखक हैं उनका परिचय, या फिर एक्चुअल जो टाइटल है वो है निम्नलिखित लेखक का सामान्य परिचय। उसमें से कई लगभग 15 लेखक है, उनका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि उन लोगों ने कौन से ग्रंथ रचना की है, कौन से पुस्तक लिखी है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो इसलिए हम इसी को आज हम ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। इसलिए यहाँ पे पार्ट 1 भी लिखा है, पार्ट 1.0, इसका पार्ट 1.1 और 1.2 भी बनेगा, सिर्फ लेखक और ग्रंथ के विषय में। सो ये भी ध्यान रखना होगा, ये कंटिन्यूस सीरीज है। पार्ट 1.0 मतलब पार्ट 1.1 एंड पार्ट 1.2-3 आ जाएगा। तो पहला है फास्ट, जो बहुत ही फेमस नाट्यकार है, उनका 13 नाटक डिस्कवर की गई है। उसमें से हम देखते हैं क्या क्या ग्रंथ है, उन्होंने क्या क्या ग्रंथ रचना की है। पहला है दूतवैक्यम, कर्णभारम, दूतकथोत्कचम। इसमें हम और भी एक जोड़ देते हैं एडिशनल नोट्स के। इसमें से एक और क्वेश्चन आता है, फास्ट के कौन से नाटक महाभारत पर आधारित है और रामायण पर आधारित है, और कौन से कवि कल्पित है, वो भी हम नेक्स्ट में डिवीजन कर देंगे, पूरा स्पेसिफिक डिवीजन नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो एक सिर्फ जनरलाइज्ड नोट है, इसलिए सारे एक साथ लिखा है। दूसरी वीडियो में हम स्पेसिफिक डिवीजन कर देंगे, कौन से ग्रंथ महाभारत पर आधारित है और कौन से रामायण पर। सो इस बार ऐसे ही देख लेते हैं, दूतवैक्यम, कर्णभारम, दूतखदुत्कचम, मध्यम व्यायुगम, उर्वंगम, पंचरात्रम, बालचरितम, अभिषेकम, प्रतिमानाटकम, अविमारकम, प्रतिका युगंधरायनम, और सबसे जो फेमस है वो है स्वप्नवासवदत्तम। उसका एक और भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, स्वप्नवासवदत्तम हमको पढ़ना भी पड़ेगा, उसके क्वेश्चन हम जरूर बनाएंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। और लास्ट में सारुदत्तम, सारुदत्तम भी बहुत ही फेमस है इस, लेकिन इससे ज़्यादा फेमस और एक ग्रंथ है, हम सबको पता ही है कौन है, मिश्रगतिकम, जो शूद्रक ने लिखी है, वो इसी ग्रंथ पर आधारित होकर लिखी है मिश्रगतिकम। सारुदत्तम जो उस ग्रंथ का जो नायक था मिश्रगतिकम का, वो कहानी, वो नायक सारुदत्तम की कहानी इस ग्रंथ से, फास्ट की ग्रंथ से ली गई है, ऐसा लोग कहते हैं। सो ये थे 13 नाटक फास्ट के, जो सबसे पहले कालिदास जी के भी आगे का जो नाट्यकार था, सबसे पहला भाष्य का संस्कृत का, उनको फास्ट को माना जाता है, जो पहली शताब्दी के कवि थे, फर्स्ट सेंचुरी बीसी। सेकंड में है अश्वघोष, अश्वघोष भी बहुत ही फेमस संस्कृत के नाट्यकार ग्रंथकार है, उनसे भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। उनका एक ग्रंथ का एक और स्पेसिफिक टाइटल सिलेबस में भी दिया गया है, वो है बुद्धचरित। उसका प्रथम सर्ग हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उनका जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। महायान सिद्धोत्पादन संग्रह उनका जो ग्रंथ, इसमें भी कई नाटक और कई खंडग्रंथ है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिक कर देंगे। अभी सिर्फ जनरल स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे डिवीजन कर देंगे, ताकि
कोई और ज़्यादा पंडित बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, ऐसे बोल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। मतलब नॉलेज की कोई सीमा नहीं थे, सीमा नहीं होती, नॉलेज जितना हो सके उतना ही लेना चाहिए, इसलिए ऐसे बोला कि पंडित बने। अच्छी बात है, बना देंगे हम, मतलब डिवीज़न बना देंगे। महायान श्रद्धा पादन संग्रह, नेक्स्ट वज्र सुषि, थर्ड है गंधी सूत्र व्याख्या सूत्रालंकार, उसके बाद सौंदर्य नंद, और सबसे फेमस जो ग्रंथ है वो बुद्ध शरीफ, जो भगवान बुद्ध के शरीफ भगवान बुद्ध के जीवन पे आधारित ग्रंथ है वो सबसे फेमस अश्वघोष के। उसके बाद सेकंड, ओ और भी है, सारिपुत्र पुराण। इस बार 2019 के जो जून के जो नेट के एग्जाम आया था उसमें एक क्वेश्चन था, सारिपुत्र प्रकरण ग्रंथ का रचयिता कौन है। बहुत सारे बच्चे को नहीं, बच्चों को कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज हो गया था कि ये है क्या भाई, आज तक तो सुना ही नहीं है, सिर्फ बुद्ध शरीफ सुना था अश्वघोष का। तो इसको सारिपुत्र प्रकरण किसने किसने लिखा होगा, किसी को पता नहीं है, सब तुक्का मार के चले। बहुत से 95% 90% स्टूडेंट ने तो गलत ही किया है, कोई भी मतलब ये एजम्पशन नहीं किया कि अश्वघोष ने बुद्ध शरीफ के अलावा कि कोई और ग्रंथ लिखा भी होगा, उसमें से सारिपुत्र प्रकरण बुद्ध अश्वघोष का ही रचना थी। इसलिए हम सबको ये बहुत ही मतलब नेट वाले मजे मजे ले रहे हैं सब बच्चों के, मतलब पता ही है सबको बुद्ध शरीफ पता है, अश्वघोष का किसी और का पता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ऐसे ही एक ग्रंथ का नाम दिया सारिपुत्र प्रकरण। वो कहाँ से है लिखो भाई, लिख लो, किसी को पता नहीं है, सब तुक्का मार के चले आए और गलत ही हुआ बहुत सारे, किसी का सही हुआ। मतलब मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा जिन्होंने सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष को राइट मार्क करके आया, तो ये बहुत ही मतलब क्या बोले, चिंता की विषय है कि हमको सब सब अश्वघोष के सभी सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखा है। तो सारिपुत्र प्रकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राष्ट्रपाल, उसके बाद अंतिम ग्रंथ है जो है उर्वशी विवेक, उसके बाद कालिदास। कालिदास को तो सबको बहुत ही फेमस है कि कोई नहीं पढ़ेगा ये सब नहीं पढ़ेगा तो भी पता चल जाएगा कौन सा कालिदास जी ने लिखा है, लेकिन फिर भी हम फॉर्मेलिटी करने के लिए देख ही लेते हैं क्या क्या लिखा है। सब बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जो जो वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये पता ही है क्या क्या लिखा है, फिर भी हम देख ही लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए क्या क्या लिखा है। ऋतु संहारम और मेघदूतम, ये दोनों खंड काव्य। उसके बाद महाकाव्य क्या क्या है, वो है रघुवंशमन, कुमार संभवम, उसके बाद तीन फेमस सबसे फेमस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम, उसके बाद मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम। उसके बाद नेक्स्ट है शूद्रक। शूद्रक का एक ही नाटक फेमस हुआ था वो है मृच्छकटिकम, शायद उन्होंने एक ही लिखा था, मतलब एक ही मिला है उनके नाम का, तो इसलिए सिर्फ एक ही ग्रंथ है उनका, शूद्रक का मृच्छकटिकम। उसके बाद विशाखदत्त का तीन तीन ग्रंथ हमें मिलता है, वो है देवीचंद्रगुप्तम, सबसे फेमस जो है मुद्रा रक्षसम, जो संत चाणक्य जी के आधारित है, वो मेरे पर्सनल हीरो भी है, वो मेरा आइडियल भी है, इनके जो आदर्श जो नीति है चाणक्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिकल है लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसलिए ये थोड़ा बाहर का इन्फॉर्मेशन हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, लेकिन दे रहा हूँ चाणक्य नीति जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसलिए चाणक्य के नीति के आधार पर, चंद्रगुप्त के जीवन के आधार पर ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल नाटक है, वो है मुद्रा रक्षम, बहुत ही फेमस है, बहुत ही ब्यूटीफुल, जहाँ पे एक ऐसा एक्सेप्शनल नाटक है जहाँ पे नायिका नहीं है, सिर्फ सिर्फ नायक है, मुद्रा रक्षम। उसके बाद अभिसारी तो वंचितकम नाम के एक और नाटक विशाखदत्त जी की रचना है। उसके बाद फारवी, फारवी ने सिर्फ एक ही ग्रंथ लिखा है, वो महाकाव्य बन गया, वो था किरातार्जुनम। उसके बाद माघ, माघ का भी सिर्फ एक ही ग्रंथ मिलता है, शिशुपाल वध। माघ का एक और बहुत ही फेमस उनके लिए एक उक्ति मिलती है कि माघे सन्ति त्रयी गुणा, माघे सन्ति त्रयी गुणा, माघ में दंडी का भी गुण है, कालिदास का भी है और भारवी का भी है। भारवी अर्थ गंधर्वम दंडिन पद लालितम उपमा कालिदास माघे सन्ति त्रयी गुणा। सो माघ के ऊपर सभी 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 कवियों के उनका गुण होता है ऐसा माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट हर्ष, हर्ष माने हर्षवर्धन, जो बहुत ही प्रख्यात हिंदू राजा थे भारत के नॉर्थ के साइड में, वो एक नाट्यकार भी थे बहुत ही प्रख्यात संस्कृत के, उन्होंने तीन तीन ग्रंथ नाटक नाटिका नाटिका होगा, यस नाटक नहीं कह सकते उसको, नाटिका कह सकते हैं, नाटिका की रचना की थी, वो है रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदम और नागानंदम। उसके बाद बाणवत्ता, बाणवत्ता हर्षवर्धन के
राज्यसभा के जो कवि थे उन्होंने उन्होंने भी बहुत उन्होंने भी तीन ग्रंथ उनको उनके नाम के ग्रंथ मिलते हैं, वो है हर्षचरित जो हर्षवर्धन की जीवनी है, उसके बाद कादंबरी बहुत ही फेमस कथा है संस्कृत के साहित्य में, उसके बाद चंद्रशतकम नामक एक और ग्रंथ पाए जाते हैं जो बनभद्र जी के रचना माने जाते हैं, उसके बाद दंडी दंडिन पद लालितम, उसमें दंडी का पद लालित बहुत ही प्रख्यात है, जो दंडी ने लिखा है वो क्या क्या लिखा है उन्होंने, वो है दश कुमार चरितम, काव्या दर्शन, अवंती सुंदरी कथा, उसके बाद भवभूति, भवभूति करुण रस के बहुत ही प्रख्यात कवि है, करुणा एकै वर्ष करुणा, वो भवभूति का बहुत ही प्रख्यात उक्ति है, मतलब उनका मानना है कि सिर्फ करुणी एक प्रधान रस है, उसके बाद बाकी सब रस की उत्पत्ति हुई है, सो ये उनका करुण रस प्रधान है। सबसे महत्वपूर्ण जो उनका ग्रंथ है वो है उत्तर राम चरितम, नेक्स्ट महावीर चरितम और लास्ट में मालती माधवम, उत्तर राम चरितम सबसे श्रेष्ठ कीर्ति माना जाता है भवभूति जी का, उसके बाद नेक्स्ट भट्टनारायण जी ने बेनी संहारम ग्रंथ की रचना की थी, जहाँ पे उन्होंने जो द्रौपदी महाभारत के जो द्रौपदी की जो प्रतिज्ञा है, जो उनको बेनी ना बांधने की जो प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञा थी, उसके आधार पर ये ग्रंथ रचना ग्रंथ नहीं ग्रंथ है नाटक रचना की थी भट्टनारायण जी के, 6 अंक वाला से अंक वाला। उसके बाद बिल्हन बिल्हन ने क्या क्या ग्रंथ रचना की है, वो है शौर पंचाशिका और विक्रमांक देवचरितम, उसके बाद श्रीहर्ष श्रीहर्ष का जो महाकाव्य है वो है नैषधीय चरितम, उनका एक ही ग्रंथ मिलता है वो भी उन्होंने महाकाव्य के रूप में लिखा था। उसके बाद आधुनिक जो लेखक है संस्कृत के वो उनके उल्लेख पाए जाते हैं जो हमारे सिलेबस में भी है और हमने इसलिए यहाँ पे भी इंक्लूड किया है, अंबिका दत्त व्यास, वो आधुनिक भारत के अभी अभी ये सब ये मॉडर्न राइटर्स है उनके उसके पहले जो एंशिएंट राइटर्स थे उसके, इसलिए अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब राइटर्स होंगे मॉडर्न का मॉडर्न टाइम का। उसके अंबिका दत्त व्यास का सबसे फेमस बुक जो है वो है शिवराज विजय, वो जो है संस्कृत साहित्य का सबसे पहला उपन्यास था वो है शिवराज विजय, उसके बाद उन्होंने कई और ग्रंथ की रचना की है वो देख लेते हैं, जानने में क्या जाता है कोई नुकसान नहीं है जानने में। कंक्षवत गद्य काव्य मीमांसा सुकवि शत संग्रह गोशकता आचार्य वृत्तांत जटिल वर्णिक भारत धर्म अवतार मीमांसा ललिता, कुल 9 ग्रंथ हमें मिला है श्री अंबिका दत्त व्यास जी के नाम पर, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पता नहीं कहाँ से क्या क्या लेके आते हैं, तो जानने में कोई बुराई नहीं है जान लो। उसके बाद पंडित क्षमारा, बहुत लोगों को लगता है पंडित क्षमारा वो पुरुष है लेकिन क्षमारा जी महिला थी, महिला संस्कृत पंडित थी, विद्वान विद्वान थी विद्वती थी पंडित, इसलिए उनका नाम के आगे पंडिता लिखा हुआ है, सो कन्फ्यूज ना करें ये मेल नहीं है ये फीमेल है, पंडिता संस्कृत विद्वती पंडिता क्षमारा, उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ की रचना की थी संस्कृत के संस्कृत में, वो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए थे उनके आंदोलन से, इसलिए गांधी जी के आंदोलन के ऊपर उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रंथ लिखा था, वो है सत्याग्रह गीता। उसके बाद उन्होंने धार्मिक ग्रंथ की भी रचना बहुत सारी की थी, वो है शंकर जीवन आख्यानम, उसके बाद तुकाराम चरितम, वो है जो भक्ति भक्ति मूवमेंट का जो तुकाराम जी थे उनके ऊपर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, तुकाराम चरितम, रामदास चरितम, स्वराज्य विजयम, मीरा लहरी फिर से ये भक्तिमूलक ग्रंथ है, उसके बाद ज्ञानेश्वर जी फिर से भक्तिमूलक से जो सेंट थे भारत में उनके लिए ज्ञानेश्वर चरित महाकाव्य, उसके बाद विशुद्ध परिषद यात्रा, पंडित अक्षमारा जी के इतने सारे ग्रंथ मिलते हैं हमें मिलते हैं। उसके बाद है वीर राघवन, वीर राघवन जी के कुछ ग्रंथ का उल्लेख हमको मिलता है, वह प्रताप रुद्र, मानाक्षी सुप्रभातम, कामाक्षी मातृकाष्टव, नरेंद्र विवेकानंद, विवेकानंद जी के जीवन के आधार पर ये ग्रंथ रचना की थी, उसके बाद गोपहंपन्नः, उसके बाद देवनंदी वरदा राजा, उसके बाद मुत्तुस्वामी दीक्षित, साउथ इंडिया के बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, कर्नाटिक जो संगीत थे उनका एक बहुत बड़े रत्न माने जाते हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर, उसके बाद वाल्मीकि प्रतिभा, उसके बाद महिप मनुनीति शोल, महिप मनुनीति शोल, उसके बाद श्रीधर भास्कर वर्णेकर मॉडर्न राइटर आधुनिक लेखक संस्कृत के, उनके ग्रंथ देखते हैं क्या क्या रचना की थी, श्री शिव पराजोद्यम, संस्कृत वाङ्मयकोश, भारत रत्न शतकम और स्वातंत्र वीर शतकम,
सो यही था कुल 18, बाप रे 18 राइटर्स, इतने राइटर्स के नाम हमें सिलेबस में दिए गए हैं, मतलब क्या बोले अभी नेट वालों को, मतलब पंडित बना के सुनेंगे ये लोग, इतना सारा ग्रंथ, इतने सारे किताबें इन्होंने लिखी थी, लेकिन क्या बोले, क्या करें, हमको पढ़ना तो पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो, एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट क्या करें, अभी हम छोटे छोटे वीडियो ऐसे बना रहे हैं ताकि पूरी, ताकि बर्डन ना लगे इतने बड़े सिलेबस को, इसलिए छोटे छोटे डिवीज़न करके छोटे छोटे टॉपिक लेके हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं ऐसे पीडीएफ बना के। और क्या, और तो हम ये भी सोच रहे हैं कि पीडीएफ को सारे हम लिंक में दे रहे हैं, मतलब आप लोगों से प्यार तो इतना करते हैं कि क्या बताएं, दिल करता है सारे पीडीएफ एक साथ दे ही दें, मतलब क्या करें। लेकिन कम वक्त हिंदी टाइपिंग करने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए धीरे धीरे हम टाइपिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम पीडीएफ बना रहे हैं, लेकिन जल्दी हम सारे पीडीएफ कंपाइल करके एक लिंक में डाल देंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप डाउनलोड कर सकें फ्री में, ताकि कहीं और किसी कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, नोट से आपको आपको सफलता मिले नेट की परीक्षा में। इसलिए प्यार तो करते हैं हम सब बच्चों से इस बार, लेकिन कोई क्वेश्चन इस वीडियो में कोई भी हमने पॉप क्वेश्चन नहीं डाला, पॉप अप क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, ताकि आप कमेंट करें, हम आप लोग सजेस्ट करना, आंसर भी देना। तो ये वीडियो था, हर बार की तरह नेक्स्ट अपना लास्ट लाइन हम बोल के जाते हैं कि कोई भी सजेशन हो, कोई भी एडवाइस हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ताकि हम नेक्स्ट और भी इम्प्रूव कर सकें हमारे कंटेंट को, हमारे विद्यार्थियों के लिए कितने अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें, डिटेल्स नोट्स प्रोवाइड कर सकें, तो इसके लिए हम लगे रहते हैं दिन भर दिन रात। तो यही था वीडियो, और संस्कृत के ऐसे इंपॉर्टेंट नॉलेज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को हमारे समर्थन ज़रूर कीजिए, हम भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो कर रहे हैं इस एजुकेशन चैनल में, एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, एक रेवोल्यूशन आ रहा है इंडिया में एक ऑनलाइन एजुकेशन में, ताकि कोई भी बच्चा वंचित ना रहे शिक्षा से, इसलिए रेवोल्यूशन हम ला रहे हैं, सभी ला रहे हैं जो जो इन इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, तो हमें भी समर्थन करें, आप भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें, एक साथ बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये भी टैगलाइन अमित जी ने बहुत बार बोला था, बिग बी जी ने, तो हम भी इसको दोहरा रहे हैं। तो इतना ही था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पीडीएफ वगैरह मिल जाए संस्कृत के, और नेट के जो प्रिपरेशन है, नेट की परीक्षा, वो सारे कवर करते हैं हम इस प्लेटफॉर्म में, इस चैनल में। तो सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, धन्यवाद।